नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मर्चरी हाउस के बाहर से, जहां पर आप देख सकते हैं रावर से तमाम लोग, करनाल के रावर से यहां पर आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि रावर के ही सुल्तान नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 36 से 37 साल है, जिनकी कल मौत हो चुकी है। और क्या कुछ पूरा कारण रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सुल्तान के बारे में एक बात बताई जा रही है कि कल उनका रावर के ही कुछ लोगों से झगड़ा होता है और जिसके बाद आज सुबह उनकी बॉडी जो है रावर के ही रामलीला कुछ पार्क का नाम बताया जा रहा है वहां पर पड़ी हुई मिली थी, और उसके बाद यहां पर उनको पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया। एक बार सुल्तान के बड़े भाई यहां पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेश भाई। कहां से हैं आप लोग? मैं रावर से। जी हां जी, मेरा भाई था जी। मेरा भाई बैठा हुआ था जी बैकग्राउंड में, वहां पे शराब भी बेचते हैं जो नट बिरादरी के लोग, गंजा भी बेचते हैं, वो उनको मना करता है भाई ये काम ना करो। तो भाई ने बैठे बैठे को, मेरा भाई बैठा था वहाँ उनके पास, तो थप्पड़ मारा है उसने धर्मवीर ने उसको, मैंने उसको रोका जी। धर्मवीर कौन है? उसको नट बिरादरी का लड़का जिन्होंने मर्डर किया। हाँ, तो भाई तना क्यों मारा इसका? मैं भी आ गया जी मौके पर वहाँ, अलग अलग काम। तो फिर भाई ने भी उसको मार दिया। फिर उसका भाई आया दूसरा जो मुर्गे बेचता शराब बेचता वहाँ, उसने मेरे भाई को मारे जी वहाँ के थप्पड़। फिर मैंने छोटी छटाई कराई, मैं तू क्यों मारे अभी इसको, तेरे भाई ने हाथ उठाया पहले। फिर उसके बाद ये शाम को घर से ले गए बुला के, इस तरह समझौता कराएंगे। अच्छा। हाँ, तो रात को फिर हमने ढूंढा भाई, वो नहीं मिला। हाँ, धमकी तो देखे जा रहा हूँ। हाँ, तो धमकी भी देखे थे, तो सरिये के जो राड नहीं होती जी, वो भी लेके घूम रहा था उसका भाई जो धर्मवीर था, कि आज तेरे को खत्म करेंगे, आज तेरे को मारेंगे जान से। फिर रात को 8:30-9 बजे करीब घर से लेके बुला के उसको भी तेरा समझौता कराएंगे, उसके बाद हमने उसकी बॉडी पाई सुबह। तो उसी पार्क में पाई गई? हाँ जी, उसमें रामलीला ग्राउंड। पार्क का नाम क्या है? रामलीला ग्राउंड है, शिव मंदिर रामलीला ग्राउंड। हाँ जी। तो उसके बाद आपने अब पुलिस वगैरह में भी कंप्लेंट दर्ज करवाई? हाँ जी, करा दी। कौन से थाने में? थाना मधुबन जी। थाना मधुबन में? हाँ जी। तो पुलिस आई है अब तक मौके पर? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करी है। कोई अब तक कार्रवाई नहीं हुई? तो पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज करवाई, FIR वगैरह सब कुछ करा दिया जी हमने, बाकी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना उनको अरेस्टिंग नहीं करी। कोई आपके पास कोई वीडियो वगैरह भी है कोई प्रूफ के लिए कि हाँ आप किस तरीके से श्योर हैं कि उन्होंने जो है मर्डर किया है? दिन में झगड़ा दिन में मेरे बुआ का लड़का जी, मेरे बुआ का लड़का था जी वो सुल्तान जो महाराज, वो जब इनको घर से वो बुला के ले गया तो मर्डर के लिए लेके बुला गए जी उसको, हाँ भाई घर आते समझौता कराऊंगा, वहाँ जाके उसका मर्डर कर दिया जी। हम उसको बाई नेम बता रहे हैं कि भाई हमने, वो उसकी घरवाली ने बताया सुल्तान की कि भाई वो बंदा ले गया, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही जी। हम सुल्तान किया क्या करता था? सुल्तान जी मजदूरी करता था, चले की बात है। हाँ, सेकंड दाड़ी मजदूरी करता था सुल्तान जी। तो जैसे भी उसको घर से ले गया जी, उसकी घरवाली कह रही है कि वो ऐसे ऐसे घर पे आया रात को 9 बजे ले गया फलाना बंदा, जो भी जो नाम बताए, मुझे नाम नहीं पता, पानी पत्त जी धर्मवीर वगैरह जो भी थी, वो उसको घर से ले गए जी और ये कह के ले गए आओ तरह समझौता करते हैं। हाथों में कुछ हथियार वगैरह भी थे उस वक्त? राड उसके हाथ में थे जी, राड उसके हाथ में। लोग को लाए थे कल की आ जाओ समझौता कर लेते हैं भाई? वो आया जी एकला जी, मतलब एकला आया था जो भी था एकला, वो उसको बुला के ले गया जी घर पे, दो थोड़ी ना आएंगे, चार थोड़ी ना आएंगे भाई आप मारने के लिए, तो एकला बुला के ले गया जी वो भाई, बाकी बाहर खड़े होंगे जी जहाँ पे थे जी, तो उसको घर से ले गए जी बुला के। उसी घरवाली ने कहा जी अकाम मार को, मैं तो पानी पसी हूँ जी, तो उसी घरवाली ने कहा जी वो बंदे आए थे और वो उनको बुला के ले गए। तो उस वक्त घर में कौन कौन था? उसकी घरवाली थी और माँ भी थी जी, उसके बच्चे थे समझो, दो छोटे छोटे बच्चे जी, बाकी दो वही थे। तो रात को जब सुल्तान घर नहीं आया तो किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की कहाँ चला गया? अभी तो पता लगा जी, सुबह नहीं, जैसे सुबह है ना जी, उसकी सिर्फ डेड बॉडी मिली भाई, वेट करते रहे घरवाले के, रात को 10-11 बजे ले गए जी बुला के वो। हाँ जी, सुबह उसकी डेड बॉडी मिली जी बस। तो रात को जब आप लोग ढूंढ रहे थे तो आप उन धर्मवीर जो वो लोग थे उनके पास भी गए थे? आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम निक्कू, मैं गांव रावर से हूँ। जैसे सुबह झगड़ा हुआ ना इनका पार्क में, मेरा दोस्त है मेरा ब्रदर वो, तो जैसे सुबह इनका झगड़ा हुआ ना पार्क में, तो मैं भी आगे से आ रहा था गाड़ी लेके, तो मैंने देखा झगड़ा हो रहा, तो झगड़ा हो रहा था हम गए छोटो छोटो छटाई करा दी, छोटो छटाई में वो लड़का कह रहा था भाई आज कल का सूरज तेरे को देखने नहीं देंगे, बदला लेंगे तेरे साथ, तूने गलत किया हमारे साथ, हाथ उठा के। तो छोटम छटा कराने के बाद हम अपने घर चले गए, सब आप अपने घर चले गए।
तो जैसे ही शाम का टाइम था, शाम के टाइम वो घर पे उसके आया होगा, उसका बड़ा भाई जिनके साथ झगड़ा हुआ था, वो उसकी घरवाली को कहता है भाई सुल्तान का है, बोला घर है, तो उससे बुला के ले गए होंगे वो, भाई आ जा तेरा उसके अपने भाइयों के साथ समझौता कराता हूँ। तो उन्होंने अपना तैयारी कर रखी थी, जैसे वहाँ गया तो उसका अपना चोट फेट मारी, मर्डर कर दिया। तो ये जैसे ही उसके भाई हुई हैं, बोले भाई अभी तक सुल्तान नहीं आए, उसके पीछे पीछे गए होंगे देखने, तो वहाँ उसकी बॉडी पाई। तो ये एक और उसका चाचे का लड़का था, उसने शोर शोर सुना, वहाँ देखा जिसने मौके पर, तो देखा वहाँ ब्लड ब्लड बॉडी, जिन्होंने मारा वो फरार है। रात के पोस्टमार्टम हाउस कौन लोग लेकर आए, आप लोग ही लेकर आए हो, किस टाइम लेकर आए? हम सुबह के लेके आ रहे हैं। तो अब हो चुका है? हाँ नहीं, अभी नहीं, अभी कोई पोस्टमार्टम नहीं करा रहे। जब तक तो नहीं आई है कि कैसे जो है मर्डर, नहीं रिपोर्ट क्या, जब उसका मर्डर दिख रहा, सरेआम ही दिख रहा, गले पे निशान है, राडों के निशान है, तो इसमें तो वो नहीं है। तो झगड़ा हुआ जब भी होया, कुल कितने लोग थे? 4-5 लोग हैं। और किस बात पर झगड़ा हुआ था कि नशे के लिए मना करना? वहाँ पे सुल्फा गांजा और जितने डिफॉल्टर लोग हैं वहाँ उस पार्किंग में बैठे। आप लोगों में से किसी ने कभी कंप्लेंट की थी कि ये लोग यहाँ पर नशे? लेट बहुत होते हैं, वहाँ पहले भी 2 मर्डर हो चुके हैं। अच्छा, इसी उसी ग्राउंड में पहले 2 मर्डर हो गए हैं, ये 3रा हो गया। और वो उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया? बस ऐसे ही हो जाता है, वहाँ डिफॉल्टर लोग खड़े होते हैं, नॉर्मल आदमी मारा जाता है। तो अब पुलिस में कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई? करा दी हो कंप्लेंट, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक कंप्लेंट किस टाइम दर्ज करवाई? कंप्लेंट ने हो गया कम से कम 12-1 बजे की कराई हुई है। तो आपको अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला? अभी कोई आश्वासन नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अब तक आप देख सकते हैं कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है रावर गांव से, ये सभी के सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। सुल्तान जिसकी उम्र, सर कितनी उम्र है? 37 साल की उम्र है। घर में 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, घर में बीवी है, घर में माँ है। और आप देख सकते हैं कि कल किसी बात को लेकर झगड़ा होता है रावर के ही कुछ लोगों से। जो लोग बताए जा रहे हैं, आरोप इन लोगों का यही है कि वो कहीं ना कहीं गांजा या नशा जैसा कुछ लेते थे, और उसके बाद उन्हीं को रोकने के लिए सुल्तान उस ग्राउंड में जाता है, रामलीला ग्राउंड है, और वहाँ पर उनका कुछ आपसी झगड़ा हो जाता है, थप्पड़ भी एक दूसरे को मार दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊँ, शाम को सुल्तान को घर पर एक व्यक्ति लेने आता है, उन्हीं 4-5 लोगों में से एक व्यक्ति सुल्तान को घर पर लेने आता है, और उसके बाद सुल्तान की जो बॉडी है वो आज सुबह मैं आपको बताऊं रावर के ही रामलीला ग्राउंड में मिली, और उसके बाद अब सुल्तान को यहाँ पर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मर्चरी हाउस में लाया गया है। सर आगे की क्या कुछ कार्रवाई आप अब चाहते हैं? हम तो कार्रवाई करना चाहते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए भाई, गिरफ्तारी चाहते हैं। पहले उनकी गिरफ्तारी होगी जब पोस्टमार्टम होगा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रजिंदर है जी। आप कौन लगते हैं सुल्तान? मेरा तो जमाई लगता था जी, वो गाँव को जब तक उनकी कार्रवाई नहीं होगी जब तक कुछ नहीं होगा जी, पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे जी हम। तो उनके खिलाफ कभी पहले कंप्लेंट हुई हो, कभी पुलिस आई हो उनको पकड़ने के लिए? कुछ नहीं सर, मैं तो कुंजपुर का हूँ जी, इन गांव वालों को पता होगा, ये उसका भाई है इस सगा, कार्रवाई के ही मैडम मार्ग पर कार्रवाई करो जी। तो सर वो जो 4-5 लोग हैं, 4-5 लोगों के नाम पता है आपको? नाम राम निवास और बिंदु धर्मवीर और एक और उसके भाई का नाम बोल रहे हैं। घर से बुलाने कौन आया था? संजय घर से, धर्मवीर और ये राम निवास जी। अच्छा, 2 लोग आए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे लेकर गए थे, बाइक वगैरह पर बिठा कर? नहीं, पास को नहीं पता जी। अच्छा, पास में। हाँ जी, हाँ जी। आप उस वक्त घर में नहीं थे? घर वाली को पता है जी। मैं साइड में रहता हूँ गांव से। रामलीला मैदान कितनी दूर है आपके घर से? मेरे घर से थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर है, तो ऐसे ही ले गए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि सुल्तान को घर पर 2 व्यक्ति लेने आते हैं और कहते हैं कि आ जाओ हम आपका समझौता करवा देते हैं। जो 4-5 लोग अन्य थे जिनसे लड़ाई हुई थी सुल्तान की, लेकिन अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समझौता तो क्या होना था। सुबह मैं आपको बताऊं, सुबह तक जब सुल्तान घर नहीं आता है तो जो गांव वाले हैं, परिवार के लोग हैं, वो लगातार सुल्तान को ढूंढते हैं। और रावर में ही मैं आपको बताऊं तो रामलीला ग्राउंड जो कि इन्हीं के घर के बिल्कुल पास, जहां पर ये सारा का सारा मुद्दा शुरू हुआ था, लड़ाई शुरू हुई थी, वहीं पर जो है सुल्तान की बॉडी मिलती है। और अब आप देख सकते हैं सुल्तान को यहां पर जो है मर्चरी हाउस में लाया गया, और रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरीके से जो है सुल्तान की हत्या की गई थी। हालांकि आरोप अब तक परिवार वालों द्वारा भी, गांव वालों द्वारा भी यही लगाए गए हैं कि सुल्तान की हत्या की गई है, और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस खबर को, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी दर्पण उप्पल के साथ करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मर्चरी हाउस के बाहर से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।